तो शुरुआती रुझानों में जेएमएम बीजेपी का अंतर घट गया, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, 33 और 32, जहां एक समय 34 और 25, 34 और 22 का आंकड़ा दिख रहा था, वहां अब मुकाबला बहुत नजदीकी दिखने लगा है। लेकिन फिर वही बात है कि ये रुझान शुरुआती रुझान है, बीजेपी आगे हो गई है। मिलाकर 45 मिनट हुए हैं वोटों की गिनती होते हुए, अब बीजेपी आगे हो गई है। देखिए 32 और 33 हो गए, जेएमएम प्लस 32 सीट पर आगे, बीजेपी 33 सीट पर आगे, आजसू 7 सीट पर आगे, जेवीएम 4 सीट पर आगे, अन्य 3 सीट पर इस समय आगे चल रहे हैं। और देखिए संजय जी, बात यह भी है कि छोटे राज्य जो होते हैं, जिनमें जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, या झारखंड जहां की हम बात कर रहे हैं, 70, 80, 60 सीटें होती, वहां क्रिकेट मैच जैसा होता है चुनाव नतीजा, पता नहीं होता कब किस गेंद पे पलट जाए। और क्रिकेट मैच आपने जब जिक्र किया, तो क्रिकेट मैच भी ये ना तो टेस्ट मैच होता है ना वनडे होता है, ये T20 के जैसा हो गया, क्योंकि एक ओवर में ही सब कुछ बदल सकता है। अगर आपके 2 छक्के 3 छक्के लगे तो सब कुछ बदल सकता है, और ऐसा होता रहेगा। मुझे लगता है 12 बजे तक 1 बजे तक 2-2 सीटें इस तरफ और उस तरफ जाती रहेगी, और हम इसका विश्लेषण करते रहे। अभी तो छक्का लग गया बीजेपी की तरफ से, 33 सीट पर बीजेपी को बढ़त हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन से बीजेपी इस समय कम से कम आगे हो गई है। रुझान जब से आने शुरू हुए पिछले पौने घंटे में, ये पहला मौका है जब बीजेपी जेएमएम गठबंधन से आगे आई है। हालांकि अब भी पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को 3 सीट का नुकसान है, लेकिन 33 सीट पर बढ़त के साथ जेएमएम गठबंधन से 1 सीट आगे इस समय बीजेपी चल रही है। आजसू, जो कि पहले से उनके साथ गठबंधन में रह चुके हैं, इस बबार अलग चुनाव लड़ रही है, वो 7 सीट पर इस समय आगे चल रहे हैं। और अगर बीजेपी आजसू को मान लिया जाए कि ये एक साथ हैं, और जेवीएम को भी मान लिया जाए कि ये एक साथ हैं, तो इस समय उनको बहुमत रुझानों में कम से कम हासिल हो चुका है। हालांकि जेवीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी उतनी आश्वस्त रह नहीं सकती है। जेवीएम मुझे लगता है वो निर्णायक पार्टी हो सकती है, जो किस तरफ जाएगी। वो बाबूलाल मरांडी की पार्टी भले है, लेकिन इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी गिनती गिन रही होगी, 33 + 7 = 40, 41 चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए, तो वो अन्य की तरफ भी देख रहे होंगे। पता नहीं उसमें जेडीयू एलजेपी कोई है या नहीं, या पता चला लेफ्ट पार्टियों को वो सीटें मिल रही हो वहां पे। तो ये वो मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी पर ही निर्भर करेगी, क्योंकि बाबूलाल मरांडी इतना विद्रोही भी नहीं है। आप देखिए कि चुनाव से पहले भी वो राष्ट्रीय नेताओं से आकर के उनकी मुलाकात या वहां पर भी हुई, और इससे ये मानना कि जेवीएम के साथ नहीं जा सकते हैं, इस संभावना से इनका एक बात तो जिसे पूछे तो वो कहेंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि वो अपनी पार्टी को मर्ज कर दें। बीजेपी वो अपनी आइडेंटिटी के लिए खड़े। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार जेवीएम के 8 सीटें थी, जिसमें से 6 सीटें बीजेपी ने 6 विधायकों को तोड़ा था। हालांकि उस वक्त भी जो बाबूलाल मरांडी के पास ये ऑप्शन था कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, सेंटर में आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने नहीं माना और उनके 6 विधायकों को तोड़ लिया। नहीं, मैं उसी कारण मुझे लग रहा है कि जेवीएम पर उतना ज्यादा निर्भर नहीं हो सकती है बीजेपी, क्योंकि जिस तरह का 5 साल का कार्यकाल रहा और जिसमें विधायक टूट कर चले गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। देखिए मैं बाबूलाल मरांडी को जानता हूँ, बहुत ही जिद्दी किस्म के आदमी है, और वो अगर आएंगे तो फिर कोई किसी बड़ी शर्त के साथ आएंगे ऐसा। और हालांकि अभी कुछ भी करना बहुत जल्दबाजी के बाद आपको लग रहा है कि शर्तों जैसी कोई चीज रह गई है, अब तो भाई ऐसा है कि साथ आ जाओ, बाकी जो कहोगे देखा जाएगा, मान लिया जाएगा। बहरहाल एक चीज बता देते हैं, रुझानों में बरेड से हेमंत सोरेन पीछे हो गए हैं इस समय, हालांकि अभी तक वो आगे चल रहे थे दोनों सीट से, दुमका और बरहेट 2 सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। दुमका से आगे चल रहे हैं हेमंत सोरेन, और बरहेट से हेमंत सोरेन पीछे हो गए हैं। 79 सीटों के रुझानों में बीजेपी इस समय 1 सीट की बढ़त के साथ आगे चल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुकाबले। बीजेपी 33 सीट पर आगे है और जेएमएम गठबंधन 32 सीट पर आगे चल रहा है। आजसू 7 सीटों पर आगे है, जेवीएम 4 सीट पर आगे है, और अन्य 3 सीट पर इस समय आगे चल रहे हैं। लेकिन 2 सीट से लड़ रहे हैं हेमंत सोरेन, वो बरहेट से इस समय शुरुआती रुझानों में थोड़ा पिछड़ गए हैं। कौन कौन से बड़े चेहरे चुनाव मैदान में है वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं, कौन कौन आगे चल रहे हैं, कौन कौन पीछे चल रहे हैं, किनका मुकाबला किन से है, किस किस सीट पर, वो भी हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए बरेड सीट के ये तीनों उम्मीदवार हैं आपके सामने, जहां इस समय बीजेपी को बढ़त हो गई है और हेमंत सोरेन थोड़ा पिछड़ गए हैं। हालांकि फिर वही बात है कि शुरुआती रुझान है बहुत, और तस्वीर अगले 1 से 1.5 घंटे में काफी हद तक पलट भी सकती है। जैसा संजय जी कह रहे थे T20 मैच जैसा है, अगर 1-2 छक्के लग जाए एक टीम की तरफ से
तो मैच का नतीजा पलट जाता नहीं, है। नहीं, टी20 मैच जैसा झारखंड का चुनाव की गिनती होनी भी थी, क्योंकि ये महेंद्र सिंह धोनी का राज्य है और महेंद्र सिंह धोनी का जो शहर है रांची, वहां पर इस समय हमारे तमाम संवाददाता नजर रखे हुए हैं कि कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। रुझानों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है। ये पहले एक घंटे का जो की जो मतगणना हुई है, लगभग 6 मिनट बाकी है एक घंटा पूरा होने में, और उसमें 32 सीटों पर जेएमएम प्लस बीजेपी, 34 सीटों पर, 7 सीटों पर आजसू, 3 पर जेवीएम, 3 पर अन्य इस समय आगे चल रहे हैं। शुरुआती एक घंटे के रुझान में तस्वीर ये दिख रही है, और क्रिकेट की ही हम बात यहां पर कर रहे हैं कि किस तरीके से 2020 के हिसाब से ये नतीजे इस समय जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं, और इसीलिए आजसू के जो प्रमुख है सुदेश महतो, वो भी है दोस्त महेंद्र सिंह धोनी के, लेकिन दोस्ती वो निभाएंगे रघुवर दास से कि नहीं, 7 सीटों का कितनी नाराजगी के साथ अलग हुए। 34 7 अगर रहेगा तो सीधे सीधे इसका मतलब है 41 हो गए हैं यहाँ पर रुझानों में पूरे। बल्कि जो चुनाव के दौरान एक थ्योरी ये भी चल रही थी कि आजसू और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, कि अलग अलग साथ रहे, अलग अलग चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि जो ट्राइबल बेल्ट के अंदर जो नाराजगी बीजेपी को लेकर है, तो वो आजसू के साथ लड़ने से उनको नुकसान ना हो। और ये भी कहते हैं दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, अगर इस ये आंकड़ा अगर रहता है तो फिर निश्चित तौर पर बीजेपी और आजसू साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि फिर भी मेरा अभी भी मानना है कि कम से कम 10:45 के आसपास ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। अभी पोस्टल बैलेट या एक आध राउंड भी नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। रघुवर दास से पूछा गया, रघुवर दास से जब पूछा गया सुबह कि रुझान आने लगे आप कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा 10 बजे तक वेट करते, 10 बजे के बाद हम बात करेंगे। लेकिन जो अभी की तस्वीर है वो 34 सीट पर बीजेपी को बढ़त है, और रुझान ये कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन 32, आजसू 7 पर आ गए हैं। इसका मतलब ये कि विधानसभा त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। आजसू, जेवीएम, अन्य ये सब मिलकर तय करेंगे कि हम में से कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा और हम किसको मुख्यमंत्री बना